आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी पोहा चिवड़ा नमकीन, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाने में बेहद ईजी। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम पोहा लिया है, पतला वाला, जो नाश्ता हम रोज़ बनाते हैं वही पोहा है। 100 ग्राम मूंगफली का दाना और 2 लाल मिर्च, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लहसुन मैंने 1 गांठ पूरा छील के रख लिया है, क्योंकि लहसुन का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है, जितना ज़्यादा रहता है उतना स्वाद निखर के बाहर आता है। तो आइए हम फटाफट बनाना नमकीन शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और उस पर कढ़ाई रखेंगे। तो हमने गैस जला के कढ़ाई रख दिया और गर्म भी हो चुकी है। आप कढ़ाई या पैन में किसी भी चीज़ में पोहा रोस्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें पोहा डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हल्के हाथों इसे चलाते हुए, मिक्स करते हुए इसे रोस्ट कर लेना है, जब तक ये कुरकुरे ना हो जाएं, क्रिस्पी ना हो जाएं, तब तक इन्हें भून लेना है। और फ्लेम तेज करने की गलतियां मत करना, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाते हैं। तो चूड़ा हमारा अच्छे से भून गया है, इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से सिकुड़न भी आ गई है और कुरकुरा भी हो गया है। एकदम इसी तरीके से आपको भूनना है। तो हम इसे गोल्डन ब्राउन हल्का हो गया है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म थी, हमने चिवड़ा बाहर निकाला था, तो हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने सरसों ऑयल यूज किया है, आप अपने पसंद का यूज कर सकते हैं। तो आधा छोटी चम्मच इसमें जीरा डालेंगे, आधा छोटी चम्मच सौंफ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साबुत धनिया थोड़ा सा डाल देंगे, ये अच्छा ब्राउन हो गया है। अब इसमें जाएगा 2 लाल मिर्च, ये भी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब जाएगा इसमें लहसुन, जो हमने छील के रखे थे, सीधा हमने डाल दिया है। आप चाहें तो बीच से फाड़ के इसमें 2 भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा हल्का ब्राउन होने देंगे, तब तक हम भुनेंगे। लहसुन हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे मूंगफली का दाना, ये भी रोस्ट करेंगे चलाते हुए। इसे हमेशा चलाते हुए रोस्ट करना है, नहीं तो जल जाएंगे। मूंगफली का दाना भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, चटकना बंद हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे मसाला, छोटी आधी चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी आधी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अच्छे से हमारे भून गया है, आप इसमें मसाला भी ऐड कर सकते हैं अपने पसंद का, हमने मसाला नहीं डाला। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे पोहा। पोहा डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने जो भी सामान इसमें ऐड किया है वो आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा हमने कुछ नहीं ऐड किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो हमारी पोहा चिवड़ा नमकीन बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें 1 कटोरी नमकीन डाल देंगे, आप अपने पसंद की नमकीन इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो हमारा पोहा चिवड़ा नमकीन आपको पसंद लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।